टिकी हुई है, लेकिन जो कोरोना वायरस का जो कहर था वो कहीं ना कहीं हावी हुआ है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ईद के तो खुशियाँ अपनी जगह हैं और वो हमेशा रहेंगी। इस मरतबा ये ज़रूर है, दोहरी जिम्मेदारी लोगों को पड़ी थी कि एक तो रमज़ान मुबारक का एहतराम और दूसरे इसका इंतज़ाम अहतमाम करना कि जो मौजी मर्ज है कोरोना, ये जितनी तेज़ी से दुनिया फैला है इसका ख़त्म करने के लिए दुआ और इसको रोकथाम के ज़राए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने रोज़े रखे, इबादत करी, इबादत में कोई कोताही नहीं, उन्हीं की दुआ कबूल होगी जिनने अपने साथ दूसरों का भी लिहाज रखा, ख्याल रखा और अपने साथ उनको भी महफूज रखा। तो इबादत के साथ यही चीज़ भी ज़रूरी है कि हम दूसरों का भी ख्याल रखें कि महफूज रहें, हम सेहतमंद रहेंगे, चाको चौबंद रहेंगे तो दूसरा भी सेहतमंद रहेगा, उसको इबादत में भी दिल लगेगा और दूसरों के साथ भी तालमेल भी रहेगी। तो यह ज़रूरी है कि घरों का पैर रहें, इबादत घरों में करें और जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, उनका ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और इस्लाम के जो में कुरान शरीफ तो नाजिल हुए इसी महीने में, वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कैसे मुसलमान को ज़िंदगी गुजारना चाहिए। ये रोज़ा इसलिए नहीं है कि भूखे प्यास रहें, अपने नफ्स को काबू में करने के लिए है जो भटकाता है लोगों को, तो भटकने से बचें, दूसरों का ख्याल करें, मसावात का ख्याल। इस्लाम का जो बुनियादी उसूल है मसावात, सब बराबर हैं, किसी को किसी पे सबकत नहीं हासिल है, अमीर पे गरीब पे है और गोरे पे काले जो भी हैं सब बराबर हैं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व आयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और जो 2.5% ज़कात है वो इसीलिए फ़र्ज करी गई है कि अपने साथ दूसरों को ज़रूरतमंद को भी ख्याल रखें, वो अपने को महरूम ना समझें और जो ज़रूरत है उनकी पूरी होती रहें, तो अपनी खुशी में उनको भी शामिल करें।